दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो बच्चा अंडे में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, अंडे को क्रैक नहीं कर पाता, दोस्तों उसे बच्चे को अंडे से बाहर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ये समय जो चल रहा है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है कि ह्यूमिडिटी के कारण है जो कुछ चिक्स होते हैं वो अंडे को क्रैक नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण दोस्तों उनकी जो डेथ है दोस्तों वो अंडे के अंदर ही हो जाती है। तो दोस्तों आज बताएंगे आपको कि अंडे में से बच्चा कैसे निकाले सावधानी पूर्वक हैं। दोस्तों अभी बड़े बड़े जो ब्रीडर्स हैं दोस्तों उनके साथ भी ये समस्या हो रही है, क्योंकि उनकी कॉलोनी के अंदर दोस्तों बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सेल के अंदर ही मर जाते हैं। दोस्तों ब्रीड लेना आसान बात नहीं है दोस्तों, ब्रीड लेना बहुत ही एक बड़ा काम है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी इनकम का एक स्रोत होता है कि हम जितने बच्चे होते हैं अपने कॉलोनी में जो अंडे से निकलते हैं दोस्तों उसको कैसे बचाएं। दोस्तों हम बताएंगे आपको कि इस बच्चे को कैसे निकाला जाए और उसको फिर कैसे हांडी में हम शिफ्ट करेंगे। दोस्तों आपको देख रहा होगा कि मैं अपने हाथों से बिल्कुल हल्के हाथों दोस्तों जो इसका सेल है दोस्तों अंडे का, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ। अगर दोस्तों इसमें बच्चे को अगर एक घंटे के बाद निकाल रहा दोस्तों, ये बच्चा इसी में मर जाता, क्योंकि दोस्तों ये बच्चा बिल्कुल क्या है, सूखा हुआ है। और इस अंडे में दोस्तों से बच्चे ने दोस्तों पोटी भी कर रखी है, जिसे दोस्तों पता लगता है कि बच्चा लगभग 3-4 घंटे से प्रयास कर रहा था बाहर निकलने का, लेकिन फिर निकल नहीं पाया। दोस्तों आप जब भी कॉलोनी में जाएं एक बार अपनी हांडियाँ ज़रूर चेक करें, क्योंकि अधिकांश बच्चे दोस्तों अंडे के अंदर ही मर जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, रात को ठंड पड़ती है दोस्तों, सुबह गर्मी रहती है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि आप ब्रीड तो लें, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें अपने बच्चों का भी, क्योंकि दोस्तों ये अपने इनकम का आधार होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को तो दोस्तों ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम ऐसे बच्चों को नहीं बचाएंगे दोस्तों, फिर हमारा ब्रीडर होने का क्या मतलब। कि दोस्तों जब भी आप ब्रीड लें तो कम से कम आप अपने कॉलोनी में चाहे 10 मिनट जाएं, लेकिन दोस्तों सभी हांडियों को चेक करें कि कोई बच्चा मर तो नहीं गया है, कोई बच्चा अंडे में तो नहीं फंस रहा है दोस्तों, कोई फीमेल दूसरे बच्चे पर तो अटैक नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों अधिकांश फीमेल्स वगैरह है दोस्तों वो भी बच्चों को मार देती हैं। अगर दोस्तों ऐसे चलता रहता है दोस्तों, तो हमारा जो क्लच रहता है, हमारा जो इनकम का आधार रहता है दोस्तों, ये जो बच्चे रहते हैं हम इनको जो बड़ा करते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि मैंने इस बच्चे को सावधानीपूर्वक अंडे से बाहर निकाल लिया है। दोस्तों दिख रहा होगा आपको कि बिल्कुल ये बच्चा सूखा हुआ है, और ये दोस्तों अगर इसको हम नहीं निकाल पाते एक घंटे के अंदर दोस्तों मर जाता, हम दोस्तों इसे हांडी में शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरे द्वारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।